मेरा नाम सागर है, मैं मंडी से हूँ। तो लाहौल में इस वक्त इस बार जल्दी क्लाइमेट चेंज हुआ और पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी, और इसमें हम पिछले साल अक्टूबर में आते थे, अब थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया तो सितंबर में हमें वापसी आना पड़ा। पीति छत्तड़ू और ददरपुल के साथ पहाड़ है साकचुमना में जगह का, वहाँ से हम रिटर्न हो रहे हैं। तो अब मंडी में जा रहे हूँ बैकअप वापस। तो ऐसा हुआ इस वक्त जल्दी बर्फ पहाड़ियों में गिरनी शुरू हुई और बहुत क्लाइमेट चेंज हो गया, ठंड हो गई, इसी कारण हम भेड़ बकरियों के साथ वापस लौटे। हवा ठंडी बहुत, मान लो वो वैसे भेड़ बकरी को दिक्कत हो रही, उसी इस वक्त हम वापस घर लौटे। हर साल मौसम चेंज हो रहा है, तरह तरह हर साल चेंज हो रहा मौसम। तो हमने देखा 7 साल हो गई हमें चलाते हुए, और जैसे कि हर साल चेंज मौसम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए हम जल्दी वापस लौटे। जाने के लिए लगता है 7-8 दिन में पहुंचते हैं, वापसी भी उतनी है लगते है, 7-8 दिन में बैक हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। हाँ जी, गाड़ी का डर रहता है, रात को चलना मुश्किल हो जाता है, चोरी होती है, तो रात को चलना बहुत, पैदल बहुत टफ होता है। जैसे बर्फ बहुत ढका हुआ है, बर्फ ठंड है, बहुत हवा चलती है बहुत सारी, जैसे कि ग्लेशियर से। इस व्यवसाय में बहुत कठिनाई है, जो कि जैसे पहाड़ों पर कई जगह डेरा लगाना पड़ता है, जगह जगह उठाना पड़ता है, तो जंगली जानवरों का डर है, और जैसे भालू और तेंदुआ वगैरह वगैरह यही होते हैं। तेंदुओं ने, भालू ने खाया है, दो काटा है। हाँ जी, हाँ जी, कैसे इस व्यवसाय में सरकार हमारी मदद करें, और धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, और नई पीढ़ी जो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, तो सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए, होनी चाहिए। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।